अगली खबर है किसानों से जुड़ी हुई, जहां किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन 28 नवंबर से किया जाएगा। ज्वार और बाजरा का उपार्जन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किया जाएगा। धान उपार्जन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। इस संबंध में अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। जिले में 65,000 से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए पंजीयन कराया है। इनका सत्यापन किया जा चुका है। अपर कलेक्टर ने बताया कि FAQ धान के लिए 2,040 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। धान खरीदी के लिए सभी खरीदी केंद्रों में तौल कांटे उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से धान का उपार्जन किया जा रहा है। पंजीकृत किसान अपनी धान बेचने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अथवा MP ऑनलाइन कियोस्क सेंटर से दिनांक और समय का निर्धारण करके स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुकिंग की सुविधा 23 नवंबर से आरंभ हो गई है। धान का उपार्जन करने के लिए खरीदी केंद्र आते समय किसान असुविधा से बचने के लिए अपने पंजीयन की रसीद, स्लॉट बुकिंग पावती, आधार कार्ड और पंजीकृत मोबाइल अपने साथ रखें। उपार्जन केंद्र प्रभारी तथा किसान द्वारा बायोमेट्रिक अथवा OTP सत्यापन के बाद ही खरीदी की पावती जारी होगी। इसे किसान अपने पास सुरक्षित रखें। अपर कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम तथा महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक को सभी खरीदी केंद्रों के उपार्जन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। धान खरीदी के लिए कलेक्टर महोदय ने एक समिति बनाई है, जिसका की चेयरमैन अपर कलेक्टर सामान्यतः पदेन रूप से होता है। तो उस समिति के माध्यम से हम लोगों ने इस बार बेहतर ढंग से धान खरीदी करने के उद्देश्य से लगभग 100 केंद्रों की स्थापना करके प्रस्ताव भेजा जा चुका है। पिछली बार 124 केंद्र थे, इस बार भी हमारा प्रयास है कि 124 या उससे और अधिक केंद्रों की स्थापना की जाए, जहाँ पे कि किसानों से अच्छे ढंग से धान खरीदी की जा सके। उसके लिए वहाँ मशीनें लगाई गई हैं, तौल काटे वाली मशीनें लगाई गई हैं, छन्ने की व्यवस्था है। छन्ने की व्यवस्था पेमेंट करने पर यदि आपका धान उच्च गुणवत्ता का नहीं रहता तो आप उसको पेमेंट करके और अपना सुधर साफ करवा सकते हैं। इसी तरह से अन्य व्यवस्थाओं में बारदाने आदि की व्यवस्था हम लोग करते हैं। जिस तरह से हमारी खरीदी का लगभग 3.5 लाख मेट्रिक टन का अनुमान है, तो उसके अनुपात में जो बारदाने के गठाने वो सभी केंद्रों पर भिजवा दी गई हैं। इसके अतिरिक्त पंजीयन केंद्रों, पहले कृषकों का पंजीयन हुआ है तो 65,000 कृषकों का हम लोगों ने पंजीयन किया है। और एक बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण रूप से किसानों को पूरी सुविधा देते हुए छाया करके, पानी की व्यवस्था करके, शौचालय की व्यवस्था करके, वहाँ बेहतर ढंग से बैठने की व्यवस्था करके अच्छे ढंग से धान खरीदी कराने की शासन की मंशा है और उसी मंशा के अनुरूप हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।